जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सबका स्वागत है गाइस। जिस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं आज अडानी ग्रुप की जितने भी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं उसके बारे में। अडानी ग्रुप की तमाम कंपनियों में आज निचले स्तर से शानदार रिकवरी देखने को मिली है, यानी कि स्टॉक जो गिर रहा था एक जगह पर ये एक लेवल पर आकर सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर इसमें शानदार रिकवरी देखी गई है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि अब अडानी ग्रुप की जो कंपनियों में फिर से तेजी आती हुई दिख रही है, तेजी कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से रिटेल निवेशकों को इसमें फंसाने का यानी कि ट्रैप करने का कोशिश किया जा रहा है, क्या है पूरा माजरा इस वीडियो में एकदम तफसील से बताऊंगा। और आपको यदि इसमें इन्वेस्टमेंट है फिर से नया इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, इसी के बारे में इस वीडियो में एकदम स्टेप टू स्टेप गाइड करते हुए चलूंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आज अडानी ग्रुप की जो कंपनी में तेजी देखने को मिली उसमें अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। हालांकि अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन ये रेड निशान में ही बंद हुए। अडानी पावर थोड़ा सा संभलता जरूर लेकिन टाइम नहीं मिला और मार्केट क्लोज हो गया, देख सकते हैं सिर्फ 5% के आसपास सीमित है। इसमें भी बहुत जल्द ये जो प्राइस अभी रेड निशान में दिख रहे हैं ये प्राइस भी आपको बहुत जल्द ग्रीन होते हुए दिखेगा, यानी कि अडानी पावर में भी अब उसमें तेजी आते हुए दिखेगा। तो सबसे पहले बात अडानी इंटरप्राइजेस की करते हैं। अडानी इंटरप्राइजेस देख सकते हैं आज 1400 रुपये पर ओपन हुआ था और दिन भर में इसने तकरीबन 1000 रुपये का लो भी लगा दिया। सोचिए जिस व्यक्ति ने इस स्टॉक को 3000 के करीब खरीदा होगा जब कुछ दिन पहले इसका प्राइस 3000 के आसपास था, वहाँ से प्राइस कम होकर 1000 रुपये के आसपास आ गया, उस पर क्या बीत रही होगी। हालांकि जो समझदार लोग थे वो बेचे नहीं होंगे और बेच भी नहीं सकते क्योंकि ये स्टॉक लोअर सेगमेंट में चल रहा था, लेकिन आज के दिन देखिए 1000 रुपये से फिर से उठा और पहुँच गया यहाँ 1600 रुपये के करीब, यानी कि जहाँ पर तकरीबन आज के दिन देखें तो ये प्राइस ओपन हुआ था वहीं पर फिर इसने जाकर अपना क्लोजिंग दिया, यानी कि कह सकते हैं कि अब इसमें बाइंग प्रेशर लौटने लगा और इसमें तेजी आने लगी है। हालांकि अभी भी अडानी के स्टॉक्स देखेंगे तो इसका ये जो अडानी इंटरप्राइजेज है इसका जो पी रेशियो देखेंगे तो 140 के आसपास है, यानी कि अभी ओवर वैल्यूड है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अडानी की कंपनियां ओवर वैल्यूड होती हैं और यदि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपको ओवर वैल्यूड है या शॉर्ट टर्म में गिरावट आ रही इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा कि अडानी इंटरप्राइजेज की जो शेयर प्राइस है चार्ट पर जब देखेंगे तो साल भर पहले इसका जो प्राइस था यहाँ पर था यानी कि तकरीबन 1600 रुपये के आसपास था और अभी जब इसमें गिरावट आना शुरू हुआ तो देख सकते हैं फिर से ये प्राइस अपने सपोर्ट लेवल के पास आ गया था, यानी कि इसने सपोर्ट लेवल के पास आकर सपोर्ट लिया और फिर से प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा। अब एक बात स्पष्ट है कि सपोर्ट लेवल के पास इसने आगे सपोर्ट लिया है तो जाहिर सी बात है प्राइस ऊपर जाएगा और उसमें तेजी आएगी ही आएगी। अब जो दूसरी कंपनी जिसमें आज के दिन तेजी देखने को मिली वो है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स के बारे में आप यहाँ पर देखेंगे तो अडानी पोर्ट्स आज के दिन देखिए कि ये ओपन हुआ था तकरीबन 450 रुपये का 450 रुपये के आसपास और इसने दिन भर में लो लगाया यहाँ पर 395 रुपये का, ये ज़्यादा नहीं टूटा लेकिन फिर भी जहाँ तक इसने लो लगाया यहाँ से एक शानदार रिकवरी इस स्टॉक में देखने को मिली और फिर से ये पहुँच गया जहाँ से ओपन हुआ था इससे ऊपर ही जाकर इसने अपना क्लोजिंग दिया है तकरीबन 488 रुपये के आसपास, जो कि आज के दिन का क्लोजिंग और आज के दिन तकरीबन 5% के आसपास में तेजी देखने को मिली। तो एक बात स्पष्ट है कि अब इसके शेयर प्राइस में भी तेजी देखने को मिलेगी। तो अभी तक हमने अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स के बारे में बात किया, अब यहाँ पर आइए यहाँ पर फिर से मैं आपको समझाता हूँ अडानी के जो और स्टॉक्स है जैसे अडानी पावर हो गया, अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशन, इसमें कब से तेजी आने के चांसेस। देखिए इस तीन स्टॉक में ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा इसके इतना ज़्यादा गिरावट तो देखने को किसी स्टॉक को नहीं मिला जितना ये स्टॉक टूटा, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे खासे स्टॉक टूटे। तो देखिए एक बात स्पष्ट की जब अडानी ग्रुप के सभी कंपनियों में तेजी आ रही है तो इस कंपनी में भी तेजी आएगी ही आएगी, ऐसा नहीं कि ये स्टॉक हमेशा नीचे ही रहेंगे। खासकर अडानी पावर के बारे में बिल्कुल नहीं, अडानी पावर तो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है और इसका पी रेशियो उतना हाई नहीं था जितना इन सबका पी रेशियो हाई था। तो आपको इसमें समय दीजिएगा तो यदि अभी आप लॉस में तो लॉस रिकवर हो ही जाएगा, साथ में आप बिल्कुल तनाव मत लीजिए, अडानी के बारे में कुछ सोचना नहीं है, इनकी कंपनियों का शेयर प्राइस अभी लेट लग सकता है लेकिन आने वाले समय में ऊपर ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अडानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में जो डिस्कशन मैंने की आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।